सफीदों में विधायक द्वारा लगवाए गए शिलापट को उखाड़ ले जाने का मामला अब एक बार फिर से गर्मा सकता है। एक और जहां नगरपालिका प्रधान द्वारा इस मामले को सुलझाने के लिए दो दिन के समय की अवधि खत्म हो गई है, तो वहीं अब नगरपालिका के विकास कार्यों के लिए नगरपालिका प्रधान ने सांसद रमेश कौशिक की अध्यक्षता में 26 फरवरी को एक कार्यक्रम करने की भी घोषणा कर दी है। माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद हमारे रमेश चंद्र कौशिक जी 26 तारीख को नगरपालिका प्रांगण में आ रहे हैं और उस दिन एक साधारण बैठक भी हाउस की बुलाई गई है, उसमें भी वो शिरकत करेंगे। ऐसे में साफ तौर पर माना जा सकता है कि बीजेपी अध्यक्ष अमरपाल द्वारा शिलापट्ट विवाद को सुलझाने के लिए किए गए प्रयास सिरे नहीं चढ़ पाए हैं। आपको बता दें कि शहर के गंदे नाले के निर्माण को लेकर विधायक जसबीर देशवाल की अध्यक्षता में शिलान्यास के लिए एक विकास पट्ट लगाया था, जिसे कुछ समय बाद नगरपालिका प्रधान सेवाराम हटा कर ले गए थे। मामला पुलिस थाने पहुंचा था, वहीं ये मामला मुख्यमंत्री दरबार तक भी पहुंच गया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बीजेपी जिला प्रधान अमरपाल राणा ने इस मामले को सुलझाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया था। इसी बैठक में नगरपालिका प्रधान ने मामले की स्थिति स्पष्ट करने के लिए दो दिन का समय मांगा था। हालांकि इस बैठक को 5 दिन से ज्यादा बीत गए हैं और अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। वहीं शिलापट्ट विवाद में नगरपालिका प्रधान सेवाराम का कहना है कि नगरपालिका कार्यालय द्वारा उनकी मर्जी के खिलाफ शिलापट्ट में उनका नाम लिखा गया था। उन्हें विधायक के विकास कार्यों के लिए लगाए जाने वाले पत्थरों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा नाम उनके साथ नहीं लिखा जाना चाहिए। पत्थर जो उखाड़ने का मामला था, जहां तक है वो सभी को पता है, एक अनैतिक तरीके से, अवैध रूप से, बिना पार्षदों को बताए, बिना प्रधान उप प्रधान को बताए, एक मिलीभगत से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मिलीभगत से जो पत्थर अवैध तरीके से लगाया गया था, जिससे जनता में और चुने गए प्रतिनिधियों में, पार्षदों में रोष था, इसके कारण पत्र को उतरवा कर रख दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ विधायक जसबीर देशवाल का कहना है कि उन्हें नगरपालिका कार्यालय द्वारा विकास पट्ट लगाने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये नगरपालिका का काम था, नगरपालिका के सेक्रेटरी, एमई और एमसी यहां सब मौजूद थे और उन्होंने ही मेरे से समय ले रखा था, नगरपालिका के स्टाफ ने ही। बहरहाल देखना होगा कि अब ये विवाद आखिर कब सुलझता है। सत्य खबर के लिए सफीदों से राजेश रंगा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।